Hey, hello, it's your boy and Minati. और first of all, I'm really, really sorry कि मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड्स नहीं कर पा रहा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली लाइव व्लॉग्स के लिए कोई प्लानिंग कर रहा हूँ. इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ें भी क्लियर आउट हो जाएंगी और मैं डेली व्लॉग भी करूँगा. पर आज जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, आज इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो एक अहम टॉपिक है. काफ़ी लोगों ने मुझे इस टॉपिक पे बात करने से मना भी किया क्योंकि इसमें दीन और दुनिया दोनों के मामलात हैं और गलती करने से ये नुकसान भी हो सकता है कि या तो मैं दीन से भी जा सकता हूँ या तो दुनिया से जा सकता हूँ. पर मेरे लिए दुनिया से जाना मंजूर है बट दीन से जाना मंजूर नहीं है. तो आज जो टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो है नामूसे रिसालत. और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर आप अहले इल्म हैं, आपके पास इल्म है तो आप इस पे बात करें, नहीं तो इस पे बात करना ख़ुद को एक नई मुसीबत में डालने के बराबर हो चुका हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ आपको बता चुका हूँ. पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और रियलिटी यहाँ पर यह है कि जमहूरियत सिर्फ नाम की है. आप ज़रा सा बोल के दिखाएं हुक्मरान के ख़िलाफ़ और नॉन मेजॉरिटी आपको आप ख़ुद को किसी बोरी में पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैं बोरी में जाना नहीं चाहता. पर फिर भी आज बेसिकली लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि फैज़ाबाद में एक काफ़ी बड़ा और एक अजीम धरना शुरू हो चुका हुआ है. 16-17 दिन हो चुके हुए हैं इस बात को भी. अब बात यह है कि किन बातों का ख्याल किया जाए. सबसे पहले ये बात कि वो मौलाना साहब जो बैठे हैं वो बैठे हैं और बेहतरीन तरीके से बैठे हैं. काफ़ी लोग उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले हैं उनसे. मैं बिल्कुल उनके एक बात से हूँ कि रसूलुल्लाह के साथ या रसूलुल्लाह के बिलमुकाबिल कोई भी नहीं. उनके ख़िलाफ़ हर बोलने वाली ज़बान को काट देना चाहिए और रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ हर उठने वाले सर को कलम कर देना चाहिए. क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा कलमा ही कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई इबादत के लायक सवाए अल्लाह के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं. जिसका मतलब ये हो गया कि कादियानी मिर्ज़ई अहमदी ये जो लोग हैं ये लोग दायरे इस्लाम के अंदर नहीं और रसूल अल्लाह को ये आखिरी नबी नहीं मानते. हाँ, रसूल अल्लाह को आखिरी रसूल मानते हैं, आखिरी नबी नहीं मानते. क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये नाउज़ बिल्ला ये जो इनका मिर्ज़ई था, ग़ुलाम, पता नहीं क्या नाम था उसका, बहरहाल वो जी आखिरी नबी है. आज नामूसे रिसालत के नाम पर धरना है, हो रहा है और कोई भी इसको रोक नहीं सकता क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ दे रहे हैं. बात कुछ है कि कुछ मुझे भी तहफ़ुज़ात रहे हैं इनसे. ये उलमा कराम जो बैठे हुए हैं धरने में, वजह आप बैठे हैं, वजह आपको गुस्सा भी है. मैं मानता हूँ गुस्सा भी है और गुस्सा ज़ाहिर भी करना चाहिए. पर माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर आप बरे महफिल गालियाँ देंगे तो आपके फॉलोअर्स मेरे जैसे जो इनको थोड़ी सी तालीम है उन पे क्या असर जाएगा. एक किताब में एक खुतबात में आप खुद फरमाते हैं कि जो मुंह से मजाक में भी गाली बकता है उस पे शैतान खुश होता है और फरिश्ते 40 बार लानत भेजते हैं. तो आपकी तो इतनी सफ़ेद दाढ़ी है, आप गाली देते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आपको इससे गुरेज करना चाहिए.